तो कैसे हो दोस्तों, होप करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैवी बोन जर्मन शेफर्ड और चैंपियन ब्लडलाइन जर्मन शेफर्ड में क्या अंतर है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों में से अच्छा कौन है, और कम से कम प्राइस बताऊंगा ताकि आपको लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि हैवी बोन जर्मन शेफर्ड क्या होता है और आप इसे कितने में खरीद पाओगे, और फिर हम बात करेंगे कि चैंपियन ब्लडलाइन जर्मन शेफर्ड क्या होता है और उसको आप कितना में खरीद पाओगे। तो दोस्तों अभी आपको वीडियो का दो पार्ट दिखाई दे रहा होगा, एक पार्ट में पिक्चर है और दूसरे पार्ट में वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो वाले पार्ट में आप देखिए कि जो जर्मन शेफर्ड का पप्पी आपको दिखाई दे रहा है वो कितना ज़्यादा पतला है, उसका पैर देखिए कितना ज़्यादा पतला है और उसका पूंछ कितना ज़्यादा पतला है, और पिक्चर वाले पार्ट में आप देखिए कि जो जर्मन शेफर्ड का पप्पी आपको दिखाई दे रहा है कि उसका पैर कितना ज़्यादा मोटा है, उसका मुंह कितना ज़्यादा मोटा है। तो दोस्तों ये जो हैवी बोन हम लोग कहते हैं ना, वो हड्डी से ही रिलेट किया जाता है और डॉग के फेस से ही रिलेट किया जाता है। जो डॉग जितना ज़्यादा हैवी दिखेगा उसको हैवी बोन कहेंगे। तो दोस्तों अगर डॉग का कोट सेम है और एक लो बोन है और एक हैवी बोन है तो दोनों के प्राइस में बहुत ही ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि चैंपियन ब्लडलाइन जर्मन शेफर्ड क्या होता है और उसका प्राइस कितना होता है। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग भोला सोला सर का भी वीडियो देखते होंगे, और जो लोग उनका वीडियो देखते होंगे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों वो अक्सर एक वीडियो डाला करते हैं डॉग शो के नाम से, तो उस डॉग शो में क्या होता है कि बहुत सारे ब्रीड के डॉग एक साथ आते हैं और उन सारे में कंपटीशन होता है। कंपटीशन के लिए बहुत सारे फैक्टर रखे जाते हैं और उन फैक्टर देखने के बाद जो डॉग जीतता है उसको चैंपियन कहा जाता है, और उसके बाद अगर वो फीमेल है या फिर मेल है उसके जो बच्चे आएंगे ना उनको कहा जाएगा कि वो बच्चा चैंपियन ब्लडलाइन से रिलेट करता है, ठीक है। और जो डॉग एक बार चैंपियन बन गया उसके बच्चे ज़्यादा दामों में बेचे जाते हैं। डॉग शो जो होता है वो बहुत सारे लेवल का होता है, कुछ होता है लोकल, कुछ होता है नेशनल और कुछ होता है इंटरनेशनल। और जो इंटरनेशनल डॉग शो होते हैं उसके जीते हुए बच्चे का जो प्राइस होता है वो 1-2 लाख के आसपास होता है और उसके पार ही होता है, ठीक है। अगर मदर फादर दोनों चैंपियन ब्लडलाइन के ही हैं तो उसका प्राइस 1-2 लाख और उससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ही चैंपियन है तो उसका प्राइस जो होगा वो 50,000 के आसपास भी हो सकता है, 60,000 के आसपास का भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होम ब्रीडिंग करते हैं, तो वैसे लोग आपको कम प्राइस में भी दे देंगे, तो वैसे लोगों को आप लोग को खोजना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर डॉग चैंपियन ब्लड लाइन का नहीं है और सेम टू सेम दिखने में वैसा ही है, डबल कोट का है, हैवी बोन का है, तो उसका प्राइस कैसा होगा। दोस्तों अभी आप देख रहे हो कि वीडियो में कैसा डॉग आपको दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों आपको ऐसा डॉग अराउंड 10,000 से 12,000 के आसपास का मिल जाएगा, लेकिन इसी में अगर आप KCI पेपर मांगोगे तो यही डॉग आपको 17,000 से 20,000 में आपको मिलेगा। दोस्तों यही डॉग अगर आप हाई क्वालिटी के दुकान से लोगे तो आपको 15,000 से 17,000 के आसपास का मिलेगा यही डॉग, और एक होम ब्रीडर से अगर आप ले रहे हो तो यही डॉग आपको 8,000 से 10,000 में मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इससे थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का डॉग। दोस्तों ये डॉग अगर आप लेना चाहोगे तो होम ब्रीडर आपको 12,000 से 15,000 के आसपास में दे देगा, लेकिन एक अच्छे दुकानदार से लोगे तो ये आपको अराउंड 15,000 से 20,000 के आसपास का देगा। अगर KCI पेपर लोगे तो और भी ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अभी जो डॉग आपको मेरे हाथ में दिखाई पड़ रहा है ये एक डबल कोट जर्मन शेफर्ड है, ये बड़ा होकर के डबल कोट में बनेगा। दोस्तों ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही डाला था, तो ये डॉग अभी सेल हो चुका है, तो ये बड़ा होकर के वैसा ही बनेगा जैसा आपको बगल में दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके का जो डॉग होता है इसका प्राइस अराउंड आपको 20,000 मिलेगा मार्केट में, जो बड़ा होकर के सामने वाले बड़े डॉग के जैसा डॉग बने। और दोस्तों अगर यही डॉग एक चैंपियन ब्लडलाइन जर्मन शेफर्ड का बच्चा होता तो इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता। दोस्तों अगर आपको बिजनेस करना है आगे चल करके, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाना है, तो उस कंडीशन में आप एक चैंपियन ब्लडलाइन जर्मन शेफर्ड का बच्चा ले सकते हो, लेकिन आपको चैंपियन ब्लडलाइन जर्मन शेफर्ड जैसा ही डॉग चाहिए और कम प्राइस में चाहिए तो आपको पेपर नहीं मिलेगा और उसका फादर जो होगा वो चैंपियन नहीं होगा, लेकिन दिखने में सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो वो डॉग ले सकते हो, वरना आप ढूंढने के बाद एक अच्छा सा डॉग खरीद सकते हो जो बड़ा होकर के दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, होप करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा होगा तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एम करता हूँ 1500 लाइक का। और दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे डॉग से रिलेटेड हर तरह की जानकारी की वीडियो अपलोड होती रहती है। दोस्तों नीचे इसी तरीके का रेड कलर में सब्सक्राइब होगा, उसको आप क्लिक कर देना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे, और बेल के आइकन को भी दबा देना। दोस्तों मिलते रहेंगे बहुत सारी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।